दो ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी पहचान विरासत में मिली पहचान से आगे जहां और भी है उस जहां में कदम रखा है। दो ऐसे सितारे हमारे साथ, अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, और एक ऐसा शख्स जो बिहार से आया था, बॉलीवुड में पहुंचा और अच्छे अच्छों के पैरों के नीचे की जमीन हिला दी, मनोज वाजपेयी साहब। और अमित शर्मा जी डेब्यूटेंट हैं, लेकिन डायरेक्टर इस फिल्म में, लेकिन इनके पीछे एक बहुत बड़ा काम है जो इन्होंने एड फिल्म्स के जरिए किया है, और इसीलिए आप और हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि एक बेहतरीन फिल्म आने वाली है। लेकिन अर्जुन कपूर हमेशा की तरह, आपने बेसिकली मनोज वाजपेयी को अर्थक्वेक का नाम दिया है, जमीन हिला दी नीचे, he is a living earthquake। और हमेशा की तरह हर इंटरव्यू की तरह, इट्स ऑल योर्स। तो मैं आइए स्वागत करते हैं और हम खेलते हैं कौन बनेगा इनका पति। तो पहला सवाल आपसे सोनाक्षी जी, मैं क्यों फंसती हूँ इसमें, क्योंकि आप भी एक स्त्री है जिससे मैं सवाल कर सकता हूँ और आप मारोगे नहीं मुझे। मैं बहुत मार सकती हूँ और मारा भी है तुम्हें, परसों ही मारा था मैंने तुम्हें, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं, याद नहीं है तुम्हें। पर बताइए आपको कैसा लगा मेरे साथ काम करके इस पिक्चर में, वाहियात इंसान के साथ काम करके। देखिए कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं मुझे, बहुत मुझे सवाल ही ऐसे पूछा, वो लाइन मैंने डलवाया था, वाहियात इंसान, इतनी ओपन बैटिंग फील्ड आपने दी तो बैटिंग कर दी उन्होंने, आपने ये मैदान खड़ा किया, कुछ तो होगा यहां पे। शुरुआत में ही हम कुछ धमाकेदार करने वाले हैं। अच्छा, हम अर्जुन कपूर का वो अवतार देखेंगे जिससे वो जमीन हिला देते हैं, फिर भूकंप भूकंप तो बाद की बात रहेगा, वो अगर करेंगे तो शायद भूकंप आ सकता है। अगर मनोज वाजपेयी मेरे साथ जमीन हिलाएंगे तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब तो आप फंस चुके हैं, सर बच के कहा जाएंगे, सर इधर ही करते ना, एक गाना हो जाए, वाइन मिले, सर हम स्टेप करते हैं और आज शुरू कर चुका हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ भी कर ले, ये कीड़ा तो जग गया इनके अंदर, हाँ देखिए हमारे साथ रहकर हमें जगाना ही पड़ा, हमने मनोज वाजपेयी के तेवर भी बदल दिए, क्या बात है। अब कौन कमबख्त कहेगा कि कमर्शियल फिल्मों से इनको परहेज है, देखिए हमने नचवा भी दिया इनको, अब इनके लिए एक अलग से आइटम नंबर रखना पड़ेगा। अरे ये तो इन्होंने शुरुआत आइटम नंबर से की थी, भीकू मात्रे में जो हम सपनों में मिलती है के बाद, अब 16 साल पहले की बात, कौन याद रखता है जाने। लेकिन अर्जुन आपने कहा इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, आपके लिए सपने के बराबर है बोनी कपूर साहब की फिल्म और उसमें करना, और सोनाक्षी का भी नाम आपने शायद प्रपोज किया था अगर मैं सही हूँ तो। मैं चाहता था हमेशा कि होम प्रोडक्शन में इसको इस स्केल की फिल्म करूं, मैं ये नहीं चाहता था कि जब घर पे पिक्चर बने तो मुझे मद्देनजर रखते हैं कि यार अर्जुन के लिए ये करना है, अर्जुन के लिए वो करना है, अर्जुन के लिए ऐसे करना है। मैं चाहता था कि एक फिल्म बने जो स्टोरी डैड को एक्साइट करे, हम सबको एक्साइट करे, और एक कहानी जो बोलने लायक है, जो एंटरटेनिंग है, जिसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स है ताकि लोग आके देखे पिक्चर, ना कि अरे ये लॉन्च पिक्चर है। जब ओकड़ू देखी थी जो ओरिजिनल थी, I really felt the girl's role, Sonakshi was the most perfect choice because मैंने लुटेरा नहीं देखी थी, पर मुझे लगता था कि इनकी आँखों में वो vulnerability है कि ये girl next door भी लग सकती है और बला की खूबसूरत है ये तो पूरी दुनिया जानती है, तो वो एक combination। So yeah, when Amit came in, dad was there, I think Sonakshi coming in really added value to the entire film tremendously। Sonakshi, वैसे तो बहुत मिठास घोल दी है इन्होंने, मतलब unlike his usual। He's very tired right now. वो इसलिए का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। हो चुका हूँ इसका नाजायज पास। हो चुके हैं। इसलिए तारीफों के पुल जो बांधे आज अर्जुन कपूर ने। बिल्कुल अलग लुक आपका दिख रहा है तो इस फिल्म में क्या एक्सपेक्ट करे ऑडियंस? अलग लुक दिख रहा है क्योंकि शायद अलग कैरेक्टर भी है, अलग तरह से अमित शर्मा ने इस फिल्म को अप्रोच किया है, डायरेक्शन की है, एक एंटरटेनर है बट हार्ट एंड सोल है, स्टोरी है और फिर भी बहुत एंटरटेनिंग है, सो आई थिंक डेफिनेटली अलग तो लगेगा लोगों को और अप्रिसिएशन ट्रेलर्स में, प्रोमोज में, गानों में बहुत ज़्यादा मिल रहा है। हम जहाँ भी जिस भी सिटी में हमने आज तक ट्रैवल किया है बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है, तो होपफुली ऑडियंस भी फिल्म को भी इतना ही सराहा है। ना हीरो ना विलन, गजेंद्र सिंह क्या कर रहे हैं मूवी में? जी प्यार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, प्यार या जुनून कर रहे हैं, जुनून, प्यार, जुनूनी प्यार है उसका, प्यार प्यार में पड़ गया है वो, उसको पहली बार एहसास होता है कि प्रेम नाम की भी कोई चीज। राइट किया था कि हम लोग इसको
उसको ट्रीट ही करेंगे एक लवर बॉय की तरह से जिसके मतलब बैकग्राउंड में या दिमाग में उसके राजेश खन्ना का गाना ही चलता रहता है उस तरीके का बजता उसके गाना बजता रहता है और वो निहायत ही प्रेम में पड़ा हुआ आदमी है तो उसके रास्ते में वो कोई भी आएगा वो उसको छोड़ेगा नहीं तो इस तरीके से रोमांटिक नेगेटिव गाय की तरह से हमने इसको ट्रीट किया है। इन तीनों को हैंडल करना कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल। क्या बोला? बहुत मुश्किल था। सबसे मुश्किल सवाल पूछे अमित शर्मा को। क्या बोला? अच्छा उल्टा हो रहा था क्या? हमारे सबसे बड़े स्टार अमित शर्मा है। मेरे पापा के चाहिए सोनाक्षी के बाद अमित शर्मा के हैं। हाँ। और आप हमसे ये सवाल कीजिए कि हमें कितना डिफिकल्ट था। बट सीरियसली मतलब ड्रीम कम ट्रू। मैंने क्योंकि मैं एक एड फिल्म मेकर हूँ तो मेरे को हमेशा से बोला गया पिक्चर के अंदर जो स्टार हैं वो लेट आते हैं वो यू नो मैं आई वर्क विद लॉट ऑफ एक्टर्स यू नो बट मेरा वो एक्सपीरियंस उनके साथ में एड फिल्म के दौरान नहीं हुआ। हर कोई टाइम पे आता है। इवन आई वर्क विद सलमान भाई शाहरुख खान आमिर एवरीबडी आई वर्क विद बट ऑन एड फिल्म दे ऑल केम ऑन टाइम बट दिस इज व्हाट आई हैड हर्ड दैट यू नो तो एक्टर्स जो मेरे एक्टर्स हैं वो अपने आप ही 5:30 बजे सेट पे आ जाते थे कि उनका मेकअप होके रेडी होके उनको 6:15 बजे रेडी रहते थे। सो आप तीनों ताली बजाइए क्योंकि सोनाक्षी गाना गाएंगे। अगर आप चाहे सवाल पूछते ही ठीक हूँ तो मैं भी एक्टिंग करती ठीक हूँ। नहीं पर आपने इस फिल्म में गाया है जी। इस फिल्म में गाया क्योंकि मुझे जबरदस्ती गवाया गया। जबरदस्ती जो मतलब वो भूल रहे थे शौक है बट अभी बहुत प्रैक्टिस बाकी है प्लेबैक करने के लिए तो हाँ गा दो। क्या गाऊं? जो गाओ मेरे साथ रैप करो मुझे तो बहाना चाहिए था। चलो दे कॉल मी द मूड मैकेनिक तेनु फिक्स करा मैं ऑटोमैटिक आजकल बड़े वानाबी रैपर्स अफसोस दी गल आई एम द बैडेस्ट जे हो गए तू बेचैन तेरा बन जा मैं सुपरमैन तेनु फिक्र दी करे इन अलर्ट आई फील लाइक अ वन मैन क्लैन हिला दे पूरा वे आगरा तेरे मूव्स बड़े ने कमाल दे ओ तेरे लच्छे वरगे बाल वे साडे दिल दी कड़ गई जान वे क्या हो जाए मावे अकाउंट नाम जस्ट हो जाए गलती कर दी क्या मैंने? इट्स ऑल योर्स अगेन। अगली बार कभी नहीं करेंगी आप ये गलती। नहीं ठीक है क्योंकि एक बार जो मैं चालू हो गई फिर से इट्स टाइम फॉर यू टू टेक ओवर। क्या इनके तेवर देखिए आप? हाँ वही देख रही हूँ। ये अब जाग चुकी है फाइनली अपनी लिए। अब ये सवाल भी तय करेंगे। खुल गई है ये लाइट के नीचे भी। ओ ज्यादा ब्राइट है ये जी। अब आप सवाल पूछ सकती हैं। इसके आगे अब सवाल पूछना है मतलब अर्जुन कपूर इतना स्पेस देंगे कि सवाल पूछे जाए एकदम सीरियस वाले सवाल। आजकल आप कहते हैं कि मैं इसके बाद जरा आराम से काम करना चाहता हूँ और फ्रिवलस मूवी नहीं है ये क्या कुछ कुछ अंदर कुछ हो रहा है क्या? बट फ्रिवलस मूवी नहीं है पिक्चर बिल्कुल फ्रिवलस नहीं है। एंटरटेनिंग फिल्म बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी बना दें। यू कैन एंटरटेन पीपल थ्रू सेंसिबल एंटरटेनिंग सिनेमा। इस फिल्म में वो सारी इंग्रेडिएंट्स है जिसपे हम पैदा हुए पले बड़े हैं। सिने गोअर्स एक्शन है रोमांस है इमोशन है कॉमेडी है। जैसे इंटेंस कैरेक्टर्स आप प्ले करते हैं वैसा ही कुछ है इस फिल्म में भी? इंटेंस रखा नहीं है इसको उस तरीके। अच्छा। से कुछ एक पोर्शन के बाद वो इंटेंस होना शुरू होता है। उसको जैसे मैंने बताया कि एक बच्चे की तरह से ट्रीट किया है एक लवर की तरह से ट्रीट किया है फिर उसका ट्रांजिशन होता है फिर वो करता है जिसमें वो बहुत अच्छा है करने में। तो एक ऐसा आदमी जो प्यार में चोट खाया हुआ उस टाइप से रखा है जी। राधिका सिर्फ एक डैम्सल इन डिस्ट्रेस है या क्या है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। वो एक आज की लड़की है मथुरा की रहने वाली है कॉलेज जाती है डांस का शौक है यूएसए जाना चाहती है पढ़ने के लिए तो वो एक गर्ल नेक्स्ट डोर है। आप शायद ऐसे किरदार को कई बार मिल चुके होंगे रियल लाइफ में भी। उसकी अपनी ओपिनियन है अपनी आवाज़ है और वो उसे उठाने से कतराती नहीं है बट जो सिचुएशन में वो फंस जाती है एक अगर
मथुरा का सबसे बड़ा गुंडा उसके प्यार में पड़ के उनसे शादी करना चाहते हैं और वो नहीं करना चाहती, और यहाँ जबरदस्ती हो रही, तो कोई भी लड़की होगी वो थोड़ी सी मतलब डर जाएगी, सहम जाएगी। तो वही राधिका के साथ होता है, बट उससे पहले वो जब प्रपोजल लेकर आते हैं तो वो अपने अंदाज में रिजेक्ट भी कर देती है। तो शी इज नॉट आज की लड़की है। दो क्वेश्चन के बाद नाच गाना चाहिए, ये मुझे ऐसा लग रहा है हिंदी पिक्चर की कटिंग है कि दो तीन सीन हो जाए मतलब पिक्चर में हर थोड़ी देर के सीन के बाद गाने डाल दे। हम यहां पे के लिए नहीं, ये अवार्ड दो अवार्ड देने के बाद अब परफॉर्मेंस होगा आपके सामने पेश किया जाए। वो देखो ये देख लेते ना हम लोग बेटर नहीं, हम देखना चाहते हैं कि भूल तो नहीं गए। स्माइल मलाई है तेरी, स्टाइल है गजब, चकलू थोड़ा सा मर्जी तेरी तो मर्जी नहीं, मेरी रिस्पेक्ट भूली और सो जाऊं तेरा मैडम यार। मेरी मेरी मुझे स्टेंथ भी याद नहीं है गाने की, तालियां बजा दो यार। ये गाना अकेले नहीं नाच सकता, श्रुति हसन चाहिए। हाँ, सलमान खान को एक ट्रिब्यूट है आप दोनों की तरफ से? नहीं, उससे कहीं ज्यादा है जो हम काम करते हैं, मैं मानता हूँ वो इट्स गिव बैक टू हिम। एक गाना इज वेरी लेस, वहीं से थोड़ा आइडिया मिलेगा। जल्दी, बहुत ही अच्छा बच्चा रहा हूँ मैं। मैंने जो है जीवन को जो है मैंने मॉरल साइंस को तरह से जिया है। मॉरल साइंस की चलती फिरती किताब हूँ, चलती फिरती किताब हूँ मैं। ऐसा वाइल्डेस्ट मैंने, मुझे डर तो हर चीज से लगता है, तो स्पेशली डांसिंग से। मुझे तो भूतों से भी लगता है। हाँ, मुझे भी लगता है, मुझे भी। यार क्या होता है ना, आई थिंक सिनेमा एक ऐसा माध्यम है एज एक्टर्स यू गेट टू लिव वाइकेरियसली, जो आप सच में नहीं हो या नहीं कर सकते या नहीं कर पाते वो हम किरदारों के थ्रू कर पाते हैं। तो तेवर एक्चुअली सब कैमरा के सामने ही निकलते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल और फैल जाता हूँ तो मेरे यहाँ भी निकल जाते हैं, लेकिन नॉर्मली हम सब काफ़ी नॉर्मल से इंसान हैं। नहीं नहीं, कहाँ निकलते हैं हमारे तेवर? थोड़ा सा, थोड़ा सा मतलब कि बस पॉकेट में थोड़ी ना लेके घूम रहे, थोड़ा सा ऐसे एक्चुअली एकदम नॉर्मल अभी। मतलब चलिए अगर एग्जाम्पल ले तो कब उस दिन किसी ने हमारे स्टाफ मेंबर के साथ बदतमीजी की थी तो मैं भिड़ गया था। अब मैं भिड़ा मतलब वो मेरा इंपल्स था, पर उसमें मैं नहीं मानता कि वो तेवर है, वो इट्स द राइट थिंग टू डू। अगर कोई एक लड़की के साथ बदतमीजी करे तो मैं खड़ा होकर अपनी आवाज़ उठाऊंगा और कहूंगा आप ढंग से बात कीजिए। तो फॉर मी दैट इज शोइंग योर तेवर इन द राइट वे, इट इज़ नॉट कि रोब जमाना, एरोगेंस नहीं होता, तेवर एक एटीट्यूड, एक अप्रोच लाइफ की तरफ होता है। मैंने एक चांटा मारा एक बार किसी को, एक्चुअली एक बार नहीं, एक बार से कहीं ज़्यादा के चाटे में बहुत डिजर्विंग लोगों को ये चाटा मिला है। मुंबई में मारा या कहीं? मुंबई में हाँ। फिर कहते रहती है थप्पड़ से डरने लगता सर, और इसलिए तो मारते रहते हो, लगता ही नहीं है डर। अब मैड मिया बचा ले, अरे वापस खत्म, वी आर डन, हां द इंटरव्यूज ओवर। तो आपके साथ अभी जमीन पे नाचते हैं बार-बार आके तो करते हैं ना उखाड़ रहे। तो चलते चलते अब आखिरी सवाल, क्योंकि रिलीज का दिन करीब है, क्यों देखें? दो लाइन में क्यों देखें फिल्म? क्यों पैसे लगाए हम? ये देखो रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया, दो लाइन में कहना पड़ेगा अभी तो पार्टी शुरू हुई थी। ऑस्कर वाली स्पीच शुरू हो जाती है ना, मैं शुरू करती हूं। हाँ, बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, बहुत अच्छे से बनाई गई है, और हमारे डायरेक्टर अमित शर्मा की पहली फिल्म है, आपको देखना पड़ेगा कि बिल्कुल उनकी पहली फिल्म नहीं लगती है, इतने अच्छे से उन्होंने बनाई है। और हाँ, एंटरटेनिंग होकर भी इसमें कहानी है, हार्ट है, सोल है, एंड आई एम श्योर कि दर्शकों को ये बहुत पसंद आई, परफॉर्मेंसेस भी है। तेरे दिल दी कड़ गई जान वे।